एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज अरिस्टी। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन एंड प्रोलैप्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, तो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरे पास एक कमेंट आया था, दैट्स व्हाई मैंने इस टॉपिक को पिक किया है। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट ट्विन प्रेगनेंसी एंड मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। सो आज का जो टॉपिक है वो है अम्बिलिकल कॉर्ड की कुछ एब्नॉर्मलिटीज होती है उसके बारे में है। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है। देखिए, जब फीटस इंट्रा यूट्राइन एनवायरमेंट में होता है, मींस मदर के वोम में या फिर मदर के यूट्रस में होता है, उस टाइम पे जो फीटस है ना, सारा उसे जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, अदर सब्सटेंसेस चाहिए, वो किससे लेता है? प्लेसेंटा से लेता है। किससे लेता है? प्लेसेंटा से लेता है। ओके, प्लेसेंटा। एंड यहां है फीटस, ठीक है, ओके। सो फीटस अपना जो भी ले रहा है सब्सटेंसेस, वो न्यूट्रिएंट्स है या ऑक्सीजन है, वो प्लेसेंटा से ले रहा है। अब इन दोनों के बीच का कनेक्शन कौन मेंटेन कर रहा है? मींस फीटस प्लेसेंटा से अगर न्यूट्रिएंट्स ले रहा है तो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू वो पास आउट हो रहे हैं, ठीक है। सो यहां पर प्रेजेंट है फीटस की अम्बिलिकस एंड प्लेसेंटा के बीच का कनेक्शन मेंटेन कर रही है अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, ठीक है। सो जो भी गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है, वो भी अम्बिलिकल प्लेसेंटा से हो रहा है फीटस तक, किसके थ्रू? कॉर्ड के थ्रू। अब इस कॉर्ड में देखिए ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, फर्दर ये स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड हो जाती हैं। सो देखिए अम्बिलिकल कॉर्ड में टू आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ टू आर्टरीज एंड वन वेन। सो दो आर्टरीज होती हैं, एक वेन होती है। वेन जो होती है अम्बिलिकल वेन, वो फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड जो दो आर्टरीज है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। एंड द एवरेज लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इज 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर इसकी एवरेज लेंथ होती है। मैं आपको सुपरफिशियल अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ, बिकॉज अगर अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में नॉलेज नहीं है तो इस टॉपिक को हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर की इसकी एवरेज लेंथ होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड की एवरेज लेंथ। एंड अगर ये लेंथ 40 सेंटीमीटर से बिलो है, देन हम मानते हैं कि कॉर्ड जो है वो है शॉर्ट कॉर्ड है, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड का टॉपिक भी हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंटेशन एंड प्रोलैप्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। सो बेसिक, इसमें थ्री ऐसी एबनॉर्मल कंडीशंस आप बोल सकते होती हैं, जो हमें एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हम एग्जामिन करने में पता लगता है, या फिर हम इंटरनल एग्जामिनेशन जब करते हैं तब ये कंडीशंस जो है रिवील होती है। तो फर्स्ट है ऑकल्ट प्रोलैप्स। ओके, ऑकल्ट प्रोलैप्स नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकेंड इज कॉर्ड प्रेजेंटेशन। वन सेकेंड, सेकेंड वन इज कॉर्ड प्रेजेंटेशन एंड थर्ड इज कॉर्ड प्रोलैप्स। सेकेंड इज कॉर्ड प्रेजेंटेशन एंड थर्ड वन इज कॉर्ड प्रोलैप्स। अब देखिए इन तीनों कंडीशंस में क्या हो रहा है। फर्स्ट जो कंडीशन है ओकल्ट प्रोलैप्स, इसमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कहां रहेगी? अलोंग साइड, बिल्कुल साइड में रहेगी, किसके? फीटस के, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज ओकल्ट प्रोलैप्स, इसमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कहां प्रेजेंट रहेगी? नोट डाउन कर लीजिए, द कॉर्ड लाइज अलोंग साइड। ओके, अलोंग साइड फीटस के बिल्कुल साइड में प्रेजेंट रहेगी एंड नॉट रिवील्ड ड्यूरिंग
during the internal examination. ओके हमें इंटरनल एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो हमें फील नहीं होगी ओकुलर प्रोलैप्स की कंडीशन जो है. नेक्स्ट है कॉर्ड प्रेजेंटेशन. कॉर्ड प्रेजेंटेशन में क्या होगा, जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है, कॉर्ड जो है हमें नजर आएगी. जब हम इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं तो कॉर्ड हमें फील होगी, कॉर्ड जो है वो रिवील हो जाएगी कॉर्ड प्रेजेंटेशन में. सो जैसे कि बहुत सी प्रेजेंटेशन होती है किसकी, फीचर्स की, जैसे कि होती है फेस प्रेजेंटेशन, ब्राउ प्रेजेंटेशन, शोल्डर डिस्टोसिया की कंडीशन अराइज हो जाती है ना, तो शोल्डर प्रेजेंटेशन भी एक होती है. अनस्टेबल लाई भी होता है, बहुत सी ऐसी पोजीशंस होती है, आपने स्टडी की होंगी. तो इसमें देखिए क्या होगा, जैसे हम इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे तो मान लीजिए कि जो फीटस है उसकी फेस प्रेजेंटेशन है, तो फेस से पहले हमें क्या शो होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड. अम्बिलिकल कॉर्ड शो होगी हमें सबसे पहले, ठीक है. और इसमें जो है मेम्ब्रेन रप्चर अभी नहीं हुई है. मेम्ब्रेन किसे हम बोल रहे हैं, एमनियोटिक सैक. जब रप्चर हो जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसका डिस्चार्ज होने लग जाता है, तो हम उसे बोलते हैं मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है. आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है गायनेकोलॉजी में. सो देखिए कॉर्ड प्रेजेंटेशन में क्या होता है, मेम्ब्रेन जो है वो इंटैक्ट है, अभी मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है, ठीक है. नेक्स्ट है कॉर्ड प्रोलैप्स. प्रोलैप्स का मतलब होता है निकल जाना या फिर गिर जाना, डिसेंट डाउन हो जाना. डिसेंट डाउन, प्रोलैप्स का मतलब होता है डिसेंट डाउन हो जाना. जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है कॉर्ड प्रोलैप्स, इसमें क्या होगा, जो कॉर्ड है हमें कहां शो होगी, इधर इनसाइड द वेजाइना, नोट डाउन कर लीजिएगा, या तो वेजाइना के अंदर हमें शो होगी ड्यूरिंग द इंटरनल एग्जामिनेशन, या फिर आउटसाइड द वल्वा. आउटसाइड द वल्वा. तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा. अब हम इसे डायग्नोस किस तरीके से करेंगे, साइन एंड सिम्टम्स क्या है इन कंडीशंस के, और इसे मैनेज किस तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं. सो अब हम देख रहे हैं कुछ ऐसे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स. प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स का मतलब होता है कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि इस कंडीशन को होने में सपोर्ट करते हैं, ठीक है. ऐसी कंडीशन अराइज हो सकती है इन फैक्टर्स की वजह से. ओके तो देखिए बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते इजिली, तो उनके लिए मुझे थोड़ा ज्यादा हिंदी में बताना पड़ता है ताकि वो इजिली समझ पाए, ठीक है. तो बिल्कुल ही देसी लैंग्वेज में बता रही हूँ. प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाए, या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड की प्रेजेंटेशन जैसे हम बोल रहे हैं वो हो, ऐसी कंडीशन को अराइज होने में क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स. तो फर्स्ट है माल प्रेजेंटेशन. देखिए इस वर्ड से आपको क्या पता लग रहा है, ये क्या साउंड कर रहा है, माल प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन आप लोग जानते ही हो. अब इसके आगे क्या लग गया, माल प्रेजेंटेशन, ठीक है. सो इट मींस कि प्रेजेंटेशन जो है वो सही नहीं है. जैसे कि एक नॉर्मल जो प्रेजेंटेशन मानी जाती है, आइडियल प्रेजेंटेशन मानी जाती है, वो नहीं है. तो प्रेजेंटेशन कौन सी है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है. ब्रीच प्रेजेंटेशन वो प्रेजेंटेशन होती है जिसे देसी भाषा में बोला जाता है कि बच्चा जो है वो उल्टा है, ऐसा बोलते हैं ना. बहुत से लोग जाते हैं हॉस्पिटल्स में तो उन्हें बोला जाता है कि प्रेजेंटेशन, डॉक्टर ये तो नहीं बोले कि ब्रीच प्रेजेंटेशन है, उन्हें समझ में नहीं आएगा, तो उन्हें बोलते हैं जो बच्चा है वो उल्टा है. मीन्स बच्चे का जो सर है वो ऊपर की साइड है ना, बच्चे का सर नीचे नहीं है, उसे हम बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन. तो ब्रीच प्रेजेंटेशन के केस में क्या होता है, माल प्रेजेंटेशन इसे हम बोल रहे हैं, प्रेजेंटेशन सही नहीं है. ये जो फैक्टर है, ये जो कंडीशन है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, कोड प्रेजेंटेशन हो सकती है, ठीक है. कोड प्रेजेंटेशन हो सकती है, कोड हमें पहले शो हो जाएगी इंटरनल एग्जामिनेशन जब हम करेंगे, क्योंकि वो फीटस की अम्बिलिकल से अटैच है ना. तो अगर अम्बिलिकल वाला पार्ट प्रेजेंटिंग पार्ट है तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि कोड जो है हमें पहले ही शो हो जाएगी. तो कोड प्रेजेंटेशन अराइज हो सकती है इस कंडीशन में. सेकेंड देखते हैं हम
मल्टीपल प्रेगनेंसीज, जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में स्टडी किया था ट्विन प्रेगनेंसी, तो ट्विन प्रेगनेंसी की बेसिक कुछ वेराइटीज होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था यूनिओव्यूलर ट्विन्स होते हैं, बाइनोव्यूलर ट्विन्स होते हैं, जिनमें देखिए क्या होता है, बाइनोव्यूलर ट्विन्स में तो होता है कि जो प्लेसेंटा है वो क्या है, दो होते हैं, यूनिओव्यूलर ट्विन्स में प्लेसेंटा एक ही होता है ना, और कोड जो है वो दो ही होंगी दोनों में, अम्बिलिकल कोड, तो दो अम्बिलिकल कोड प्रेजेंट है यूट्रस में, दो फीटस प्रेजेंट है, मल्टीपल प्रेगनेंसी हम इसे बोल रहे हैं। उस केस में भी क्या हो सकता है, कोड प्रेजेंटेशन की कंडीशन अराइज हो सकती है, क्योंकि हम कह नहीं सकते कि किस बेबी की, किस फीटस की पोजीशन क्या है, तो कोड प्रेजेंटेशन हो सकती है। ओके, सो नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है पॉलीहाइड्रोमियोस, ये एमनियोटिक फ्लूइड का डिसऑर्डर है। सो देर आर बेसिक टू डिसऑर्डर्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, पॉलीहाइड्रोमियोस एंड ओलिगोहाइड्रोमियोस। तो इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, कॉर्ड प्रोलैप्स या फिर कॉर्ड प्रेजेंटेशन की कंडीशन अराइज हो सकती है। नेक्स्ट देख रहे हैं प्री मेच्योरिटी, अगर फीटस प्री मेच्योर है इन रिलेशन टू गेस्टेशनल एज, गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग जो फीटस की जो कंडीशन है वो कैसा, उसका वेट ज्यादा होना चाहिए था बट वेट है कम, तो फीटस है प्री मेच्योर, इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, कॉर्ड प्रोलैप्स की कंडीशन अराइज हो सकती है। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं हम इन कंडीशन को डायग्नोज किस तरीके से करेंगे। सो हम इस कंडीशन को डायग्नोज किस तरीके से करेंगे, टू इंटरनल एग्जामिनेशन, इंटरनल एग्जामिनेशन के थ्रू ही हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, अगर कॉर्ड प्रोलैप्स की कंडीशन है तो जैसे हम इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें कोड जो है वो रिवील हो जाएगी, हमें फील हो जाएगी, ठीक है, कोड प्रोलैप्स। अगर कोड प्रेजेंटेशन की बात करें जिसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन्स अभी इंटैक्ट है एंड जो कोड है वो अभी सैक में ही प्रेजेंट है फीटस के साथ, बस उसका जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसके आगे आगे है कोड, ठीक है, कोड जो है वो प्रेजेंटेबल है, तो वो हमें किस तरीके से फील होगी, इंटरनल एग्जामिनेशन जब हम कंडक्ट कराएंगे तो उससे क्या होगा, पल्सेशन वहां फील होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया अम्बिलिकल कॉर्ड में आर्टरीज वेन्स प्रेजेंट है, तो वहां पर हमें पल्सेशन फील होगी, ठीक है, जैसे हम पल्स रेट अपना चेक करते हैं उसी तरीके से हमें यहां भी पल्सेशन फील होगी ड्यूरिंग द इंटरनल एग्जामिनेशन। देखिए अगर कॉर्ड प्रेजेंटेशन की कंडीशन है तो उसे हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, The midwife should discontinue vaginal examination in order to reduce the risk of rupturing the membranes. जो भी हम vaginal examination कर रहे हैं, internal examination जिसे हम बोल रहे हैं, वो हमें discontinue कर देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि cold presentation के केस में क्या होता है, membranes intact रहती हैं। अगर हम again and again internal examination conduct करते हैं उसकी वजह से क्या होगा कि membranes rupture होने का risk रहता है, तो हम vaginal examination discontinue कर देंगे। नेक्स्ट है सी सेक्शन इज मोस्ट लाइकली मेथड ऑफ डिलीवरी, तो इसमें हमें सी सेक्शन ही करना होगा, नॉर्मल डिलीवरी में हमें रिस्क रहता है। ओके, सिम्स पोजीशन मैं यहाँ पर इमेज शो कर दूंगी किस तरीके से होती है सिम्स पोजीशन, वो हमें दे देनी है, क्यों, क्योंकि कोड कंप्रेशन ना हो, कोड कंप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए हमें सिम्स पोजीशन दे देनी है ताकि कॉर्ड पर प्रेशर ना पड़े, क्योंकि कॉर्ड जो है वो प्रेजेंटेबल पार्ट बन गई है, ठीक है, कॉर्ड प्रेजेंटेशन की कंडीशन यहां पर एग्जिस्ट कर रही है, दैट्स व्हाई हमें कॉर्ड कंप्रेशन ना हो इसलिए सिम्स पोजीशन प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स, अगर ये कंडीशन हमने डायग्नोज कर ली है ड्यूरिंग वेजाइनल एग्जामिनेशन, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पेशेंट के जो भी अटेंडेंट्स है उन्हें इन्फॉर्म कर देना है, इस प्रोसीजर के बारे में उन्हें एक्सप्लेनेशन दे दी जाएगी। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन इज इन प्रोग्रेस, अगर हम ऑक्सीटोसिक ड्रग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीटोसिक ड्रग से क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज हो जाती हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज कर देता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, पता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज कर देता है ऑक्सीटोसिक ड्रग, इसे हमें डिसकंटिन्यू कर देना है अगर कॉर्ड प्रोलैप्स की कंडीशन अराइज हो गई है, तो
बिकॉज ऑलरेडी जो है कॉर्ड प्रोलैप्स हो चुकी है, तो हमें हम अगर अभी भी यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिर रिलैक्स करेंगे तो क्या हो सकता है, उससे फीटस को रिस्क हो सकता है. ओके, अब हम बात करते हैं अगर आउटसाइड द वल्वा हमें शो हो रही है कोड, अम्बिलिकल कोड, हो सकता है कि वो कहां प्रेजेंट हो, इनसाइड द वजाइना, वजाइना में प्रेजेंट हो या फिर आउटसाइड द वल्वा. तो हमें क्या करना है, उसे रिप्लेस कर देना है. रिप्लेस कर देंगे वजाइना में, इट शुड बी रिप्लेस्ड इनटू द वजाइना. एंड अगर कुछ ऐसी कंडीशन है जिससे हम रिप्लेस नहीं कर पा रहे तो हमें क्या करना है, वेजोस्पाज़म की कंडीशन अराइज ना हो, क्योंकि अगर कोड जो है वो प्रोलैप्स रहेगी, आउटसाइड द वल्वा रहेगी, तो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वेजोस्पाज़म की कंडीशन अराइज हो जाएगी. वेजोस्पाज़म की कंडीशन से प्रिवेंट कर सकें इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स्ट्राइल वेट गोज से, स्ट्राइल वेट गोज पीस से अम्बिलिकल कोड का जो भी पोर्शन हमें शो हो रहा है उसे हम कवर कर देंगे. ठीक है, वेजोस्पाज़म ना हो, दैट्स व्हाई. सो आज हमने स्टडी किया प्रेजेंटेशन एंड प्रोलैप्स ऑफ अम्बिलिकल कोड. आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा. एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना. कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज कॉमेंट ऑन करना. डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल जस्ट नर्सिंग इज एन एस्टी.